जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित विश्व के सभी सहयोगी भाई बहनों का आज सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। अभी हम माथा टिकाकर श्री माता जी को नमस्कार करते हैं और सामूहिकता में वंदन लेते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और चित्त सहस्त्रार पे रखते हैं। अब इस अवस्था में तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र लेते हैं। महासरस्वती
अभी हमारा चित्त दोनों हाथों पर और तालु मध्य पर रखते हुए कुछ देर ध्यान में बैठेंगे। अभी हम श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करते हैं। आज हम राजा राजेश्वरी श्री राजा राजेश्वरी की पूजा करने वाले हैं। खासकर दक्षिण हुए देवी का स्वरूप अनेक तरह से माना जाता है। उसका कारण यहाँ पर आदि शंकराचार्य जैसे अनेक देवी भक्त हो गए और उन्होंने शाक्त धर्म की स्थापना की। शाक्त धर्म का मतलब शक्ति का धर्म। दो तरह के धर्म एक साथ चल पाए। रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म की स्थापना की और दो तरह के धर्मों पर लोग बढ़ते बढ़ते अलग अलग हो गए। असल में जो वैष्णव है उसका कार्य महालक्ष्मी का है और महालक्ष्मी की जो अनेक स्वरूप हैं उन स्वरूपों को अपने में आत्मसात करें। जैसे कि धर्म धर्म की स्थापना करना और मध्य मार्ग में रहना, न तो लेफ्ट में जाना न राइट में जाना, मध्य मार्ग में रहना, इन्हीं को वैष्णव कहते हैं। फिर इनके आगे चल करके वैष्णव धर्म गुजरात आदि सब देशों में फैल गया। वैष्णव मार्ग से जब आप गुजरते हैं
कुंडलिनी के द्वारा, तो आप अंतिम संस्कार में पहुंच गए। लेकिन संस्कार में ब्रह्मरंध्र पर सदाशिव का स्थान है। तो वैष्णव धर्म करने से आप अंत में पहुंच जाते हैं सदाशिव के पास, जो कि शाक्त धर्म का ही अंत है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी शक्ति मध्य मार्ग से ही गुजरती है। तो दोनों को अलग कैसे कर सकते? शक्ति का भी मार्ग जो है वो मध्य मार्ग है। दोनों एक साथ बंधी हुई चीजों को अलग अलग कर दिया गया। उसकी वजह ये कि कुंडलिनी का उत्थान उन दिनों में होता नहीं था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर, जहां वो जागृत अवस्था, वहां बैठकर के लोग गाते हैं उदय उदय अंबे। अंबा तो शक्ति है, कुंडलिनी को अंबा कहते हैं। तो उस महालक्ष्मी मंदिर में बैठकर के वो गाते हैं कि शक्ति तू जागो। उनको ये नहीं पता कि वो क्यों गाते। तो वैष्णव अपना मार्ग बनाते, रास्ता बनाते, पथ बनाते, और जब वो पथ बन जाता है तब उसमें से कुंडलिनी का जागरण होता है। सहयोग में हम लोग भी यही करते हैं। जब आप लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करके बैठते हैं तो आपके सातों चक्र धीरे धीरे ठीक होते हैं, माने आप वैष्णव बनते जा रहे हैं। आप एक्सट्रीम से मध्य में आ जाते हैं, मध्य मार्ग, और आपके चक्र ठीक से बैठने लग जाते हैं। जब चक्र आपके ठीक हो जाते हैं तभी कुंडलिनी जागरूक होती है। इसलिए पहले आप वैष्णव बनते हैं और उसके बाद आप शाक्त बन जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों चीजें एक ही है, किंतु दक्षिण में देवी के अनेक स्वरूप माने गए और उसमें से राजराजेश्वरी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। अब देखा जाए तो लक्ष्मी जो है वो वैष्णव पद पे, विष्णु के पत्नी, विष्णु की पत्नी, और इसलिए ये लक्ष्मी का एक स्वरूप बताया गया जो कि शक्ति का ही स्वरूप है। राजराजेश्वरी का मतलब है कि जब कुंडलिनी नाभि में आ जाती है, अब कुंडलिनी जब नाभि चक्र में आती है जहां उस पर लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त होता है, ऐसा कहें, या लक्ष्मी का परिणाम उस पर आता है ऐसा कहिए, या जब ये कुंडलिनी नाभि चक्र में आती है तो लक्ष्मी स्वरूपा ये किस प्रकार की होती है, इस पर अनेक तरह के लक्ष्मियों का आरोपण है। लक्ष्मी है, गजलक्ष्मी है, ऐसे अनेक लक्ष्मियां, पर ये लक्ष्मी तभी इन स्वरूपों को प्राप्त करती जब इन पर कुंडलिनी की शक्ति आ जाए। कुंडलिनी के शक्ति के मिलन से ही ये स्वरूप आते, इसलिए राजराजेश्वरी हालांकि कुंडलिनी की शक्ति नाभि पर आने पर जो स्वरूप धारण करती है उसे लोग कुंडलिनी को ही राजराजेश्वरी मानते हैं। या कहिया जाए
कि आदि शक्ति का स्वरूप नाभि चक्र में जो होता है उसे राजराजेश्वरी कहते हैं। अब जिस इंसान के नाभि चक्र में राजराजेश्वरी स्थापन हो गई, माने ग्रह लक्ष्मी हो गई लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राजराजेश्वरी, राजलक्ष्मी की अंतिम स्थिति जो है वो राजराजेश्वरी की। अब ये राजराजेश्वरी की अंतिम स्थिति में एक सहयोगी को कैसे होना चाहिए, इसमें लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आना ही होगा। जब ऐसे मनुष्य पर कुंडलिनी जागरण के बाद लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गया और आ गया, आना ही है, सब कितने भी सहयोगी हैं सब पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आना। और कभी कभी ये लक्ष्मी काफी बढ़ सकती है अनपेक्षित, और नहीं भी बढ़ने पर उसकी तबीयत, ऐसे इंसान की तबीयत एक राजाओं जैसी हो जाती है। जब तक आपकी तबीयत वैसी होती नहीं तब तक समझना चाहिए कि कुंडलिनी अभी नाभि में घूम रही है। तबीयत बदलती सहयोग में आने पर जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि मनुष्य की तबीयत बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जो आदमी लक्ष्मी से भरा है, जिसके अंदर लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, माने ये कि बहुत से रईस लोग भी होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, तो उनको कोई लक्ष्मीपति नहीं कह सकता, उनमें लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही दिखाई नहीं देता। भिखारी जैसे रहते हैं, हर समय पैसे के लिए रोते हैं, किसी के लिए 2 पैसा निकालना उनके लिए मुश्किल। ऐसे जो कंजूस लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर अभी कुंडलिनी का जागरण ही नहीं, कंजूसी के मारे मरे जाते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं कि उनका लिवर भी खराब हो सकता है, उनकी शक्ल बिल्कुल भिखारियों जैसी लगेगी। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना ही कार्य नहीं है कुंडलिनी का। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो आपके अंदर उतारना, ये कुंडलिनी का कार्य है। तो राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजा राजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबियत हो, अपने तो राजा लोग भी बड़े महाभुका भिखारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते, लेकिन यहाँ तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही है। जो राजराजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके, लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत जनरोसिटी आ जाए, जनरस हो जाता, क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों ना मजा उठा ले, क्यों ना लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश करे।
पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों। जिस आदमी में जनरोसिटी नहीं है, दानत है, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हो। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लूट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे। वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते, उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती है। वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता, जैसे कि हरे रामा वाले लोग श्री राम का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। और कृष्ण स्वयं कुबेर और उनकी प्रजा बन करके और भिखारी जैसे घूमते हैं। किसी भी तरह से इनको तो कृष्ण का तत्व ही पता है, लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए। जो इंसान हमेशा पैसे के लिए रोता रहेगा उसकी हालत वैसी है। जो इंसान हर समय पैसे को तौलता रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरह से मैं पैसा बनाऊं, यहां तक कि सहयोग में आकर के लोग चाहते कि सहयोग में पैसा बना, ये तो बिल्कुल ही गैबी कर गए। इनसे गैबी कर तो कोई एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे गैबी के लोग कौन है। तो उन्होंने कहा जो भगवान के मंदिर में आकर के लोगों से भीख मांगते, भगवान बैठे हुए तो लोगों से भी क्या मांगे। इसी प्रकार सहयोग में भी ऐसे लोग बहुत ही कम है, पर है जो सोचते हैं कि सहयोग में आकर के हम किसी बात से पैसा बनाते। हमें किसी ने बताया कि गणपतिपुरे में सहयोगी कुछ सामान लेके आए थे, उसे बेच रहे थे। एक साल जरूर आए जो कि हमसे पूछ के लाए और उन्होंने बेचा और जो कुछ भी उनको प्रॉफिट हुआ उन्होंने सहयोग को दे दिया। मैं कहती ये भी नहीं करना चाहिए, पर तो भी वो कहते हैं कि हमारे वजह से सहूलियत होती है, लोगों को साड़ियाँ मिल जाती है, ऐसा हो जाता। पर जो इंसान सहयोग में आकर के और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो तो ऐसा है कि उसको सहयोगी कहना ही नहीं देना। उससे आप समझ ही नहीं सकते हैं कि राज राजेश्वरी की शक्ति क्या है। उसकी शक्ति से मनुष्य पैसा हो या नहीं, कोई आपके अंदर डर नहीं रह जाता, कोई अभाव की ही भावना नहीं रह जाती कि मेरे अंदर ये अभाव है। उसको संपूर्ण ऐसा लगता है कि पूरे पूर्व में बैठा हूं, मुझे क्या करना, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों डरू, मैं जहां रहूंगा वही मेरे लिए समृद्धि है, वही मैं सब कुछ चीज प्राप्त कर सकता हूं। और वो एक बहुत ही आलिशान तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी तबीयत एक बहुत ही भव्य महान इंसान की जैसी होती है। उसको देने में ही मजा आता है, लेने में नहीं।
कोई आदमी रईस होगा तो होगा अपने घर का, और कोई गरीब होगा तो भी वो अपने घर का। पर वो अगर सहयोगी है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसके लिए वो सर आंखों का पूरी तरह से उसकी मदद करने को तैयार होता है। सहयोग में ऐसे भी लोग हैं जो असहज लोगों के लिए बहुत करते हैं, पर अगर सहयोगी कोई गरीब आ जाए तो उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती। तो बाह्य के आडंबरों को देख करके बहुत से लोग उनका महत्व करते हैं, ये बड़े महान हैं, इनके पास इतनी मोटरें हैं, या ये बड़े भारी यहाँ के मशहूर एक्टर हैं, या डॉक्टर हैं, या आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आदमी। ये तो बाह्य की उपाधियां उसका महत्व करते हैं, पर कोई गलत ये सोचता है कि ये तो शक्ति का संचय इसके अंदर, इतनी इसके अंदर से चैतन्य की लहरें बह रही, ये कौन अवलिया है उसको राजा तबीयत आप कह। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, शिवाजी महाराज का उदाहरण खासकर सोचने का, स्वयं तो वो थे ही आत्म साक्षात्कारी और बड़े आदर्श पुरुष थे, पर उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था वो अत्यंत सुंदर और नम्र था। उनके पास उनके गुरु श्री रामदास एक दिन पहुंचे और उन्हें बाहर से ललकारा। शिवाजी महाराज ने एक चिट्ठी लिख करके उसके झोली में डाल, उस चिट्ठी में लिखा था कि गुरु, मेरे गुरु, मेरी सारी जो कुछ सत्ता है, साम्राज्य है, ये सब मैंने आपके झोली में डाल दी। उस चिट्ठी को पढ़ के गुरु रामदास हंसकर उन्होंने कहा कि बेटे, हम तो सन्यासी हैं, हम क्या तुम्हारी साम्राज्य लेके करेंगे, तुम तो राजा हो और तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचते हो कि इस साम्राज्य को भक्ति से चलाए तो इसका झंडा जो है, जो हम छाती पहनते हैं, उस रंग का त्रिकोणी झंडा बना, उस झंडे से ये लोग जान जाएंगे कि तुम भी एक संन्यस्त भाव से राज कर रहे। उसके प्रति कोई खिंचाव लगाव तुमको नहीं, तुम हो राजा, लेकिन उसको तुम जानते नहीं कि तुम राजा। जो लोग अपने ही को मैं राजा हूं, पागल जैसे कहते फिरते हैं मैं फलाना हूं, वो होते नहीं, और जो होते हैं वो कभी कहते भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। एक बार हम लंदन में सफर कर रहे थे, हमारे साथ एक साथ बुजुर्ग बैठे हुए थे, बातें करने लगते हैं वहां ना, ज्यादातर औरतों से कोई लोग बात नहीं करते, आपस में ऐसे बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ पूछा, ये कैसे है वो कैसे है। तो मैंने कहा आप क्या हिंदुस्तान में? हाँ मैं था हिंदुस्तान में इतने साल, था ऐसी बात है। और कुछ नहीं बताया आपको कौन थे क्या थे। उसके बाद ऊपर के चले गए, हम भी ऊपर के चले गए। उसके बाद एक दिन ऐसे ही
हमारे पति और हम जा रहे थे तो हम लोगों से मुलाकात की थी ऐसी ट्रेन में थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर आइए आप लोग बातें करेंगे हिंदुस्तान के बारे में। ये जाके देखा बड़ा भारी आलिशान उनका मकान, बहुत से रह रहे हैं शान से। पता हुआ कि वो अपने यहाँ वाइसरॉय, लेकिन उन जबान से कहे नहीं और न पता ही हुआ कि अपने यहाँ वाइसरॉय, अपने यहाँ के वाइसरॉय को कोई मिल भी सकता था पहले जमाने। और इतनी नम्रता से उन्होंने हमसे बात की, आपको कोई चीज की तकलीफ हो तो बताइएगा। और यह मैं स्त्री, मुझे मैं सोचा मुझे इतना ही क्यों महत्व दे रहे हैं, तो परेशानी तो नहीं हो रही, यहाँ के लोग जरा खड़ हैं, ये वो सब बातें, हिंदुस्तान के जैसे नहीं है, धार्मिक नहीं। सारी बातें करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया तो यहाँ वाइसराय रह चुका। और इतनी उनको श्रद्धा हिंदुस्तानियों के बारे में, इतने प्रेम से उनकी बातें बता रहे हैं। अपने यहाँ तो अगर कोई मिनिस्टर का पीए हो जाए तो ही उसकी खोपड़ी खराब है। स्टोरी है उनके बारे में कि कोई लोग मिनिस्टर से मिलने गए, एक साहब बहुत कूद रहे थे, अभी आप क्यों सबके बिगड़ रहे हो, पहले आपको पता नहीं मैं पीए हूँ, मैंने पी कर आया हूँ। इस तरह लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ मिलने पर खोपड़ी खराब है। और ये लक्षण राजाओं का, राजाओं की पहली चीज है कि अत्यंत नम्रता, अखड़पना आता है। इसलिए अखड़पना आता है मनुष्य में कि वह सोचता है क्यों तो मैं इतना पैसा वाला हूं, मैं सबको डांट सकता हूं झाड़ सकता हूं। और अगर वो कुछ पढ़ा लिखा हो, तो बड़ी नौकरी में हो, कुछ हो, बड़े बाप का बेटा हो, और उसको अखड़ चलता है, उसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। अरे यहां तक कि मैंने देखा है कि सर्वसाधारण लोग भी, जैसे हमारे पति के ऑफिस में टेलीफोन पर बात करें तो वो इतनी बदतमीजी से बात करते थे। फिर पूछा कि कौन, मैंने कहा मैं ये हूं, फिर उसके बाद उनकी हालत ही खराब हो जाती। तो पहले आप अखड़पना से बात क्यों करते, वो तो अच्छा साफ से मत बताना, माफ कर देना, ये और मैंने कहा मेरे को क्या, मैं क्यों बताने जा रही हूँ, पर तुमने ऐसी पहले बात क्यों, अगर झलक अगरी छलक अगर जाए। जो परिपूर्ण है इंसान वो अत्यंत नम्र होता है, सादगी होती है उसकी। आप समझ जाएंगे कि जब तक आप परिपूर्ण नहीं है, आपके अंदर झूठा घमंड, झूठा गुस्सा, हर तरह की एक अजीब तरह का व्यक्तित्व आप प्राप्त करते हैं कि सब आपका नाम सुनते बात करते। एक तो भिखारी जैसे होते जो रात दिन आते ही पता हो जाता कि आए हैं कुछ मांगने, कुछ रोने, मेरा फलाना हो गया, मेरे बाप को ऐसा हो गया, मेरे माँ को ऐसे हो गया, कुछ आया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये चाहिए, एक भिखारी जैसे। और दूसरे आते हैं वो चिल्लाते हुए, तो पहले वैष्णव बनना हो, मध्य में आए बगैर आप राज राजेश्वरी की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, आपके अंदर वो चल ही नहीं सकते। जैसे कि प्लास्टिक के पेड़ को पानी डालने से फायदा क्या, इसी तरह इन लोगों में एक तरह का आडंबर, एक झूठा तमाशा। अभी हम लंदन से आ रहे थे तो हमारे साथ एक देवी जी आ रही थी, हीरे उरे पहने थे काफी, इतने मोटे मोटे हीरे कान में, नाक में, हाथ में, इतने पहनते थे, पहन के आए थे। तो हमसे कहले, हम तो भाई सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करते कि सादगी से रहो और ऊंचे विचार। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बैठिया। हम तो ऐसे कलर्ड कपड़े वगैरह नहीं पहनते, उसने हम तो बहुत सुपर, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बैठे। उसके बाद जैसे इंडिया आने लग गया तो आई मिलकर, मुझे एक तकलीफ है, मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा क्यों, कहले एक कस्टम वाले आपको बहुत मानते हैं, तो मेरे पास से जो
जेवर है 65 लाख के मैं पहने हूँ, तो मुझे इसमें से किस तरह से निकाले। तो मैंने आप तो सिंपल लिविंग आप कस्टम वालों से कह दीजिए कि मैं सिंपल लिविंग में विश्वास कर, तो वो तो आपको ऐसे ही बाहर कर देंगे। सर आज वो मेरे पीछे पीछे चली आई, वो कस्टम वाले उसको नमस्कार करते हैं, उसको भी क्या वो चले आए। दूसरी चीज पुरुष में लालच, एक बड़ी गंदी चीज है, अनहोनी चीज है, जो कि लालच। बहुत ही जो गरीबी के लोग हैं वो दूसरों की चीजों की लालच करते हैं। किसी के घर गए, वहां कोई चीज दिखाई दी, आते ही साथ चलो भाई क्या है चीज, ऐसी चीज है, वो चीज आ गई, फिर दूसरी चीज लिया, फिर तीसरी चीज, उसका कोई अंत ही नहीं, और लालच ही लालच होती रहती। इस लालच की मात क्या है? बात यह है कि कोई चीज को अपनाने से कितना सर दर्द होता है ये जान लेना। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई अच्छा सा कारपेट बिछा है और मुझे लालच हो गई कि ये कारपेट में ले लूं, तो एक तो चोरी भी कर सकती हूँ, नहीं चोरी तो दिमाग में वही घूमता रहेगा कि कारपेट कहाँ से आया, क्या आया, कब आया, ये वो तो पूजा भी सब एक तरफ गई। फिर उस कारपेट को खरीद भी लिया, अगर वो यहाँ बिछ गया तो ये क्या रहा है, ये कारपेट खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इससे बेहतर है अगर ये मैं मान लूं कि भाई ये तो मेरा कारपेट है ही नहीं, किसी और का है, भगवान बचाए, हो गया, छूट गई झंझट। ये जब दूसरे की चीज है तो मेरे सरदर्द क्या, इंश्योरेंस कराओ, फलाना कराओ, वहां जाओ, बैंक में जाओ, किसने बताया, मेरा है ही नहीं कुछ, छोड़ तुमको ले जाना है, ले बहुत अच्छा, और भी चाहिए तो बहुत कुछ है, सब ले लो, बड़ी खुशी की बात है। इससे लालच के जो एक पागलपन सवार हो जाता है वो पागलपन एकदम खत्म हो जाता है। और सहयोगियों को तो बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि इधर तो वो सहयोगी है और उधर लालच मगर के मुंह में उनका पैर, तो वो बोट में कैसे आए, वो तो पैर उन्हीं उनका फंसा हुआ है वहां। किसी भी चीज की लालच अगर आ जाए तो सोचना चाहिए कि राज राजेश्वरी हमसे मुंह फोड़ के चले। और जो राजराजेश्वरी तबीयत के इंसान होते हैं उनको तो छोटी भी चीज में मजा आने लग जाता है। उनको कोई चीज की कमी नहीं रहती। एक बार हम पलिताना गए थे तो चढ़ करके काफी ऊंचा चढ़ना पड़ता है, 2.5 घंटे चढ़ते, वहां जाके पहुंचे तो बाहर एक मंदिर था, संगम रबड़ी जिसको कहते हैं अपने मार्बल का, तो हमारे भी लोग और साथ में थे तो वो सब लेट गए। मैंने ऊपर देखा, अरे देखो इतने हाथी बनाए हैं और उनकी सबकी दुम कितनी सुंदर अलग अलग बनाई। तो कहने लगे मम्मी हम लोग इतने थक गए, तुम्हें हाथी की दुम कहाँ दिखाई दे रही। मैंने कहा देखो ना तुम देख नहीं रहे उसे, कहले तुमको कुछ थका नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं ये देखो ना इस कला को देखो, मेरी सारी थकानी बात है। सो छोटी छोटी चीज में भी मजा उठाना जब आ जाए और उसका आनंद उठाना, उसका समाधान लेना, जैसे शबरी के बेर खा के श्री राम इतने संतुष्ट हो गए थे, उस चीज को जब आप समझने लग जाएंगे तब कहना है कि आप राज राजेश्वरी के शक्ति से प्लावित है, नरिष्ट है। प्रेम से अगर कोई छोटी सी चीज, अब छोटी सी ही कोई चीज दे दे, कोई सुपारी दे दे, समझो प्रेम से। और मैं सुपारी खाती नहीं तो भी जरूर खाऊंगी और खाना चाहिए,
क्योंकि उससे दूसरा आदमी खुश हो जाएगा, उसे क्या पता कि मैं सुपारी नहीं खाती। माने ऐसा है कि कोई सी भी चीज वस्तु संसार की जो भी, इसमें जैसे शीशे में आप मर्क्यूरी लगा दें, साधारण सर्वसाधारण शीशा जो कि पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें अगर मर्क्यूरी लगा दें तो शीशा बन जाता है, इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते। कोई सी भी वस्तु में आप प्रेम जड़ा देते, वो वस्तु जो है इतनी सुंदर हो जाती, फिर मन करता है ये किसे दे। जैसे बाजार जाएंगे तो मन करेगा हाँ ये उनके लिए ठीक है, ये उनके लिए ठीक है, अपने लिए क्या ठीक है ये विचार ही नहीं आना चाहिए। इसका अगर विचार छूट जाए कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पसंद करती हूं, हो गए। इसका मतलब ये है कि अभी वो सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर आई नहीं। अगर सर्वव्यापी शक्ति अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आप बहुत सूखने हो जाएंगे और जान लेंगे कि देखो किसे किस चीज की जरूरत है। जैसे आपने कहीं गए और आपने देखा कि बहुत सुंदर साए दीप है, हाँ उनके घर में रही थी तो वहां उनके पास ये दीप नहीं था, वो ले लेना चाहिए। सबकी जरूरतें समझ में आने लग जाती जब अपनी जरूरतें कुछ नहीं रह जाती, सबकी तकलीफें याद में आ जाती। कोई है बीमार है, कोई है उसको किसी चीज की जरूरत है कि उसके पास में समझ लीजिए एक टेप रिकॉर्डर नहीं, वो मेरा भाषण सुनना चाहते हैं, सब पता हो जाता है। और जब आप उसे वो चीज दे दें तो कहता है माँ आपको पता कैसे, पता मैंने पता नहीं कैसे। इसीलिए प्यार को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ही शुद्ध प्रेम है। क्योंकि जब आप किसी के साथ भी शुद्ध प्रेम करते हैं तो आपको उसके प्रति सारा ज्ञान आ जाता है, यह है कैसे। वो फिर चाहे महामाया हो आप जान सकते, पर शुद्ध प्रेम होना चाहिए। शुद्ध प्रेम से पूरा ज्ञान आपको मिल जाए, कोई सा भी ज्ञान किसी भी प्रकार का। अगर आप समझ लीजिए शुद्ध प्रेम से इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे अभद्रास में गरीबी बहुत तकलीफ बहुत देती है, सुमन में क्या भाव है, यहां धूप में बच्चे छोटे छोटे धूप में है खड़े, कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बुढ़े लोग हैं सब खड़े हैं और हम आराम से अच्छी गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, तो चुभने सा लग गया उसको, इसको करना क्या चाहिए। कहा यहाँ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर देते प्राइवेट, बेचारे इनका थोड़ा सा तो दुख हल्का होगा। और वही दिमाग में बैठा हो मेरे कि वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट शुरू हो जा रहा है। तो जब आपकी जागरूकता हो जाती है तो आप सारे विश्व बंधुत्व में आ जाते हैं। अब कितना बड़ा काम है ये राज राजेश्वरी का कि जो सबके बारे में विचार करते, जैसे एक राजा की रानी है तो वो अपनी प्रजा की जो तकलीफ है उसे देखेगी, उनके परेशानियों को दूर करेगी। वो बैठ के ये तो नहीं गिनेगी कि उसके पास जेवरात कितने हैं, कि उसके पास डायमंड्स कितने हैं, वो ये देखेगी कि मेरे प्रजा में कितने लोग परेशान हैं, छोटी सी छोटी चीज उनको कहते। इसी तरह आपकी भी तबीयत हो, जब तक हम अपने से उठ के विश्व में नहीं व्यापक होते हैं तब तक आप विश्व निर्मल धर्म के पुजारी कैसे हो सकते। और विश्व निर्मल धर्म कोई बाह्यता तो है नहीं कि जैसे हम भाई हिंदू हैं तो मुसलमान है तो ईसाई, ऐसे तो है नहीं।
ये तो अंदर का प्रकाश, और इस प्रकाश में मनुष्य एक बड़ी भारी भव्य व्यक्ति बनकर के निकल आता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं, मैंने क्या पाया है, पर यही सोचता है कि मेरे वजह से, मेरे कारण, और वो क्या मैं कर सकता हूं, अभी तो भी मैं कम ही हूं, वहां क्या मैंने 100 ही आदमियों को रिलैक्सेशन दे पाया और मैं कर ही नहीं पाया, ऐसा जब वो सोचने लगता है तब सोचना चाहिए कि उसके अंदर ये राज राजेश्वरी की जो शक्ति है वो कूद रही है, वो कौंद रही है, वो उसको परेशान किए दे रही कि तू करता क्या, तेरे पास इतनी शक्ति है, तू देता क्यों, इसको पैसे से कोई गिन नहीं सकता, किसी भी चीज से नहीं। अब आज ही देखिए कि देर हो गई, फोन आया रशिया वगैरह से, तो मुझे देर हो गई, रास्ते मैंने पूछा भाई कहाँ बैठे हैं सब लोग, तो कहले खुले में। अरे मैंने कहा कोई छत वत नहीं लगाया क्या तुमने, उनको मालूम नहीं था, वो कहने शायद नहीं लगा माँ, ये ठंडी ठंडी हवा तो बह रही है, पता नहीं, लेकिन कुछ छत तो होना चाहिए, मुझे अपने सर पे छत औरों के छत नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहा ऐसा ही है कुछ के आपके ऊपर में छत है बाकी नहीं। मैंने कहा ये तो गलत बात है, जब देखा मैंने कि सब पे छत है तभी देख लो। इसी प्रकार छिंदवाड़े में भी बहुत गर्मी हो गई और सब लोग खुले में बैठे थे, पूरी समय मुझे ये फिक्र लग रही थी कि क्या हो रहा, और सब बता रहे थे मैं, हमको तो ठंड लग रही थी अंदर, इतने धूप में बैठे बैठे लोग को ठंड लग रही थी। वही राज राजेश्वरी की शक्ति जो है, जो सब जगह सबका हित करती, हित से भी ज्यादा कहना चाहिए कि सबको आराम दे, सबको सुख, सबको आनंद प्रदान कर, और वो शक्ति आपके अंदर भी है, उसको आप चाहें तो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। एक पैसे से भी जो काम हो सकता है वो हजारों रुपयों से नहीं हो सकता, लेकिन देने की शक्ति महान होनी चाहिए। फिर से कहूंगी कि विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण ने सांप खाया और दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, इन सब में चीजों में बड़ा भारी संकेत, वो संकेत ये है कि प्रेम से भरी हुई चीज उसका दाम किसी भी चीज से आप तौल नहीं सकते। तो सबसे पहले वैष्णवों को चाहिए कि अपने लक्ष्मी चक्र को साफ करने के लिए सबसे पहले कि मेरी जरूरतें कुछ नहीं, सारी जरूरतें दूसरों की है, इसलिए मैं सहयोग में आया हूं, ऐसे विचार से आया। कल आपको आश्चर्य होगा कि प्रोग्राम के बाद इतने लोग आए थे, बड़ा मुझे आनंद आया, पर एकदम मेरा राइट हार्ट पकड़ गया बुरी तरह से, तो मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ राइट हार्ट इतना क्यों पकड़, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ये वही शक्ति जिसने संकेत दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई यहाँ गृहलक्ष्मियों का क्या हाल है, हैदराबाद में लोग गृहलक्ष्मी को किस तरह से ट्रीट करते, तो पता ये हुआ कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते और हर समय झाड़ते रहते, माँ की इज्जत करते हैं पर बीबी की बिल्कुल नहीं करते, और कहने लगे कि ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया हुआ है यहाँ। अरे भाई मुसलमानों में भी आपको पता नहीं कि औरत की इज्जत करने के लिए कितना बताया कुरान में, वो नहीं करते हो बेवकूफी है, उसमें जितनी इज्जत औरत की है और कहीं है ही नहीं लिखी हुई। तब मुझे समझ में आया कि जहां स्त्री की यत्र नारायण पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां घर की स्त्री की इज्जत नहीं होगी वहां पर कभी भी देवताओं का राज हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये कहना चाहिए, इसमें सादी बात ऐसी है
कहकर आपने अपनी पत्नी की पूर्णतः इज्जत की तो बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे और वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, ये तो बात है। पर अगर स्त्री स्वयं ही पूजनीय न हो और वो इस तरह के कार्य करती है जो पूजनीय नहीं है तो फिर उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छी औरत है और वो घर के बाल बच्चों को संभालती है, सब घर को प्रेम से रखती है, ऐसी औरत की इज्जत घर में ही नहीं समाज में भी होती है। कल सोचे मेरा पूरा राइट हार्ट पकड़ लिया और आधे घंटे तक मैं तड़पती रही, वो जो आप अपने पत्नियों को तड़पाते हो मेरे अंदर वो तड़पन आ गई। अब हो सकता है कि एक स्त्री आपकी इतना ज्यादा सहयोग नहीं समझती हो बुद्धि से, पर हृदय से समझती है। स्त्री जो है हृदय से चीज को समझती है और पुरुष है मस्तिष्क से समझता है, लेकिन हृदय से समझना भी बहुत बड़ी चीज। और स्त्री को हमेशा शक्ति स्वरूपा माना, जिस घर में स्त्री का मान नहीं होगा वहां कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता। कारण स्त्री ही जब शक्ति है, अगर समझ लीजिए इसके अंदर अगर बिजली नहीं होगी तो मेरा बोलना क्या है, ये बड़ी भारी चीज यहाँ ला के रख दी लेकिन किसी काम की नहीं अगर इसके अंदर बिजली नहीं होगी। सो घर की स्त्री को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और उसका मान नहीं रखेंगे तो शक्ति आपके अंदर दौड़ नहीं सकती। सबसे बड़ा ये दोष है, कल पता नहीं कभी भी नहीं हुआ मुझे प्रोग्राम के बाद इस तरह से बस सारा राइट हार्ट इतने जोर से पड़ा। मैं तो सोचती थी कि ये चीजें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, पर देखती हूँ साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया के लोग तो भी इतना नहीं करते। अगर हिंदुस्तानी में कोई दोष है तो ये कि नारी की शक्ति का मान नहीं रखते, सबसे बड़ा दोष। इधर देवी की पूजा करें, कन्या रूपेण उनको मानेंगे, सब रूपेण उनको मानेंगे लेकिन गृह लक्ष्मी के रूप में नहीं मानते। इसलिए आज साफ साफ बताना, अगर आप सहयोगी हैं तो अपने स्त्री के प्रति आदर युक्त रहें। खुले आम मैंने सुना आप लोग झाड़ते रहते, तो खुले दाम आप भी झाड़े जाएंगे। पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि स्त्री का अपमान करे किसी भी वजह से। मेरे विचार से अगर ये एक चीज ठीक हो जाए तो राज राजेश्वरी की शक्तियां जरूरी चल पाएंगी। पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि पति और पत्नी एक ही रथ के दो चक्के हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट राइट में नहीं आ सकता, राइट लेफ्ट में नहीं जा सकता, पर दोनों का स्थान जरूरी है। दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनका स्थान अलग अलग। इसका मतलब कोई स्थान ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। अगर एक चक्का नीचा हो जाए तो रथ जाएगा नहीं आगे, तो गोली गोली घूमता रहेगा। बच्चे भी आपसे यही बात सीखेंगे। जो बच्चे अपने माँ का आदर नहीं कर सकेंगे वो क्या कर सकते हैं दुनिया में, वो मेरा क्या आदर करेंगे। इसलिए आज से सबसे विनती है कि अपनी घर की नारी का अपमान नहीं, उसको किसी तरह से नीचे नहीं देखा। उसकी शक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी सहज में उतर के अपने शक्ति को समा लेना चाहिए और शक्ति में उतर जाना चाहिए। आज इतने लोग पूजा में आए हैं और सारे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब सहज वाकई में बहुत समग्र हो रहा है और इतने प्यार से सब चीजें हो रही हैं। हर जगह जब भी देखती हूँ लगता है कि
सहज बहुत जोरों में फैल रहा है। पर एक ही बात को जान लेना चाहिए कि हम कितने गहरे उतरे ये जरूरी। तादाद बहुत हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसके जब तक आपके अंदर मूल्य सहयोग के नहीं उतरेंगे, क्वालिटी नहीं है। आप अगर राजा राजेश्वरी को मानते हैं तो उनके शक्ति का प्रादुर्भाव मैनिफेस्टेशन आपके अंदर होना चाहिए, और नहीं तो ठीक है एक चोगा बदल के दूसरा चोगा आपने पहन लिया, सब बाह्य में हो गया, अंतर से कुछ नहीं। ये अंदरूनी शक्ति है और इस शक्ति को आपके हरे व्यवहार में बातचीत में दिखना चाहिए। अनंत आशीर्वाद। अब हम कुछ क्षण निर्विचार ध्यान में रहते हैं।
श्री माता जी के चरणों पर अब प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आपने हमें निर्विचार स्थिति प्रदान की। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। अब हम सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र यहीं पे समाप्त होता है। जय श्री माता जी।